Hello guys, I'm Arnath Singh and this is another video on my YouTube channel. A second year MBBS from AIIMS New Delhi and in this video guys, हम लोग दो चीज़ें कर रहे होंगे. जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आपको मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा एज टॉपिक्स के बारे में. काफ़ी लोगों ने कमेंट किया. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आई एम रियली सॉरी, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया काफ़ी दिनों से, पर कोशिश कर रहा हूँ यार रेगुलर हो पाऊँ. एनीवेज, जब समय मिल रहा है मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो पहली चीज़ तो हम लोग बात करेंगे कि कौन से एक्स्ट्रा एज टॉपिक्स हैं. दूसरा चीज़, हमें मैं गिव अवे का अनाउंसमेंट करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा गाइस. तो सबसे पहले बात करते हैं यार ह्यूमन ये बायोलॉजी में कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं एक्स्ट्रा एज, जो 33-20 के ऊपर आपको मार्क्स लाने में हेल्प करेंगे. क्योंकि यही टॉपिक्स होते हैं एनसीईआरटी के, जिसमें एनसीईआरटी से सिर्फ क्वेश्चन नहीं आते. एनसीईआरटी से आता है, पर सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं आता है, आपका बाहर से भी क्वेश्चन आता है. और ये जो क्वेश्चन लोग कर ले जाते हैं, ठीक है, वो एक्स्ट्रा मार्क्स ला पाते हैं. 340, 345, 350 तक पहुंच जाते हैं लोग आउट ऑफ 316 नीट बायोलॉजी. तो गाइज, इसका जो यू नो लिस्ट है, ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी ऐड कर दूंगा. मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अभी मैंने रिसेंटली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का स्क्रीनशॉट बेसिकली उसके माइंड मैप का मैंने ऐड किया है. तो टेलीग्राम ग्रुप मेरा इंसोनियन एआरएस के नाम से है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंशनड है. आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं पर्सनल क्वेरी पूछने के लिए, दो मैं आजकल बिजी चल रहा हूँ, पर आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट एज मच एज पॉसिबल. ओके, सो पहला टॉपिक होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी. क्लास 11 का जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, इट इज़ इंपॉर्टेंट. इससे बाहर से क्वेश्चन आते हैं, कोई भी चैप्टर हो सकता है यार. आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है, आपका ये हो गया आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन आता है. मेरे समय में डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आया था कि एंजाइम एक स्पेशल कोई एंजाइम था, स्पेशल सेल सीक्रेट करता था, उस पर क्वेश्चन आया था. ठीक है, तो वो मैंने आंसर कर दिया था. बेसिकली एलन मॉड्यूल से मैंने पढ़ रखा था. आकाश का मैं स्टूडेंट था, पर एलन की मॉड्यूल भी मैंने पढ़ी थी एंड में जाके, ताकि देखो यार थोड़ा स्मार्टली वर्क करना, एंड में ये सारे टॉपिक पढ़ना. अभी लिख के रख लो, अपने टेस्ट में आपको समय मिलता है ना, पहले एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद आपको समय मिलेगा. जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ ना, वो आप पढ़ोगे. ठीक, अपने मॉड्यूल से पढ़ो, कोई भी कोचिंग मॉड्यूल में एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा. इतना तो मिल जाएगा यार कि आप वो जो 7-8 क्वेश्चन आते हैं ना बाहर से, उसको आप अपने कोचिंग मॉड्यूल से पढ़ के, अगर आपके कोचिंग मॉड्यूल नहीं है तो एलन आकाश आसपास किसी फ्रेंड से, अपने सीनियर से आप जुगाड़ लो. ठीक है, एंड उससे आप ये टॉपिक रीड कर लोगे, आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चन आप उन 8-9 क्वेश्चन में से कर ले जाओगे, मेरी गारंटी है. पर यू हैव टू मेक श्योर कि आप पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, पहले 320 मार्क्स आप इंश्योर करो. और फिजिक केमिस्ट्री भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए. ये नहीं कि ये 5-6 क्वेश्चंस के पीछे आप ना पूरा समय गवा दो अपना. ठीक है, एक टेस्ट आपको आ रहा है उसके लिए प्रिपेयर करो. तो बायो में ये नहीं कि पूरा लगे हुए हैं कि सर ने कह दिया एक्स्ट्रा टॉपिक है, अब तो मेरे को देखना मैं 350 ला पाता हूँ कि नहीं. ऐसा नहीं करना, आपको पहले 320 इंश्योर करना, उसके साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक एवरेज यू नो एक अच्छा स्कोर 120 प्लस 130 प्लस सिक्योर करो, ताकि आप ओवरऑल देखा जाए तो आप 560, 580, 600 तक पहुंच पाओ. ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा एज पे आप ध्यान देना. तो ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया 11th में. 12th में आया बायोटेक, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंसेस हो गए, प्लाज्मिड टाइप्स हो गया, फेजेस हो गया. ठीक है, ये सब जो होते हैं ना, मतलब एंजाइम्स जो होते हैं एंडोन्यूक्लिएजेस, आपके उसके रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस क्या होते हैं, उस पर क्वेश्चन आ सकता है. ये सब चीज़ें हो गई. फिर आप आ जाओ हेरिडिटरी एंड वेरिएशन हो गया. ठीक है, उसमें डाईहाइब्रिड ट्राईहाइब्रिड क्रॉसेस हो गए. ठीक है, ये सब चीज़ें हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो, सप्लीमेंट्री जीन का रेशियो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोमॉर्फिज्म, ये सब पे ना क्वेश्चन आता है. ठीक है, डेफिनेशन पे आ सकता है, जीन के रेशियो पे आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री जीन जो रेशियो होते हैं ना. ठीक है, उस पर आपका क्वेश्चन आ सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट आपका क्वेश्चन यू नो आपका कोई ना कोई सिचुएशनल क्वेश्चन आ सकता है. आपको दे रखा होगा ऐसे प्लांट को क्रॉस किया, ये फीचर्स देखे गए, या माउस के बीच में ऐसे क्रॉस किया, कैसा क्रॉस किया बता देगा. फिर आपके यू नो फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो पूछेगा, उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. हेरिडिटरी एंड वेरिएशन से, इवोल्यूशन से आपको साइड बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मैंने पहले भी पिछले वीडियो में कहा था यार एनसीईआरटी इज़ टफ टू अंडरस्टैंड. आपको लगेगा कि आप समझ गए हो पर क्वेश्चन आगे नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो एलन या आकाश की कोई या फिर कोई कॉम्प्रिहेंसिव आपके पास मॉड्यूल होना कोई भी इंस्टीट्यूट की, उसमें अच्छे से समझा के दिया होता है. ठीक है, नहीं तो आप ट्रूमेन भी पढ़ सकते हो. पर यार ये सारे टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी अच्छे से कवर करने के बाद. ठीक है, एनसीईआरटी से मान लो अगर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं एवोल्यूशन के, ठीक है, एक बाहर से, 3 एनसीईआरटी से, 3 गलत कर रहे हो, ये जो बाहर वाला वो सही कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है आपका. मैं आपके इस मेहनत को वर्थलेस समझूंगा. ठीक है, उसके बाद आपका आता है इकोलॉजी. इकोलॉजी में जो आता है यार आपका जो पार्क्स हो गए,
ठीक है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस पर आप हर साल देखोगे क्वेश्चन बाहर से आ जाता है, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या फिर कोई पैक्ट हो, ठीक है, हर साल देखे एक ट्रीटी होती है, एनवायरमेंटल ट्रीटी पैक्ट होता है कुछ ना कुछ हर साल का, वो कहाँ साइन किया, किस ईयर में साइन किया, कौन सी कंट्री में साइन किया गया, वो सब पे क्वेश्चन आते हैं आप देखोगे, ठीक है। और भी कई चीज़ें होते हैं, एलन की मॉड्यूल में बहुत अच्छे से दे रखा है, मैं कोचिंग प्रमोट नहीं कर रहा है, मैं सिंपली आपको बता रहा कि कहाँ पर ये आपको अच्छा मिल सकता है, ठीक है, मैंने वहीं से पढ़ी थी, काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई थी, ठीक है। आप बोलोगे तो यार मैं वो सब चीज़ों के नाम आपके लिए स्क्रीनशॉट भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड कर दूंगा, उन सब के फोटोज़, उन एरियाज़ के जो आपको पढ़ने चाहिए, ठीक। और ये हो गया आपके इकोलॉजी में, आपको इकोलॉजी भी बाहर से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कई ये सब कुछ चीज़ें जो इकोलॉजी में बाहर से पूछी जाती है, और भी चीज़ें पूछी जा सकती है। फिर माइक्रोब्स, माइक्रोब्स में यार देखो क्या सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, नए टाइप के जो माइक्रोब्स होते हैं ना, वो कौन क्या कर रहा है, कौन सा इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ठीक है। और जैसे फूड एंड प्रोडक्शन में भी आपको मालूम होना चाहिए कौन सा, ये भी एक टॉपिक है जो बाहर से आता है कि जैसे राइस की स्पीशीज़ हो गई, ठीक है, और आपके डिफरेंट प्लांट्स की स्पीशीज़ हो गई, और शुगर केन की स्पीशीज़ हो गई, वो उनका जो आपके उनके पेरेंट्स कौन थे, पेरेंट प्लांट्स कहाँ के थे, कौन सा क्रॉस यूज़ हुआ था, ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा में। एंड माइक्रोब्स में भी आपको मालूम होना चाहिए एक्स्ट्रा चीज़ें, ठीक। एंड फिर आपका एनिमल टिश्यू भी कई बार बाहर से पूछ लिया जाता है कि कौन से टिश्यू में कौन सा फाइबर होता है, कोलाजन कौन से में होता है, रेटिकुलिन फाइबर कहाँ होता है, इलास्टिन फाइबर कहाँ होता है, कौन किस टाइप का कार्टिलेज है, ये सब क्वेश्चन भी आते हैं। तो दिस वॉज द एक्स्ट्रा टॉपिक्स गाइस, ठीक है, आप इसको पढ़ोगे 340 आपके आ जाएंगे, पर आपका बेस पहले क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग गिव अवे अनाउंस करते हैं फटाफट गाइस। गिव अवे, विदुषी नाम की एक एस्पिरेंट है इंस्टाग्राम पे, उसने बहुत क्लियरली मेरे को पॉइंट्स ने बेसिकली पैराग्राफ में दे रखा था कि क्या फ़ायदा है रोहित सर के यू नो यूट्यूब चैनल का, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप यूट्यूब चैनल देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उसने मेंशन की, मैंने काफ़ी लोगों के वो पढ़े थे पर्सनल ओपिनियन इसको लेके, ठीक है, बहुत ढेर सारे लोगों के, इसमें इसका मेरे को बेस्ट लगा क्योंकि इसने बहुत क्लियरली मेंशन किया था। देखो काफ़ी लोगों ने मेंशन किया कि 10 सेकंड की जो रोहित सर की ट्रिक होती है ना, कोई भी क्वेश्चन को 10 सेकंड की सॉल्व करने की जो ट्रिक होती है फिजिक्स में, वो वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक्स है उनकी, ठीक है। और हर वीडियो में उनका कोई ना कोई ऐसा ट्रिक होता है, हर क्वेश्चन को डील करने का ऐसा कोई ना कोई ट्रिक वो बताते हैं, तो उनको उसको ये चीज़ काफ़ी पसंद आई। और अपार्ट फ्रॉम दैट उसने और भी चीज़ें पेक्यूलर चीज़ें जो मैंने नोटिस की है खुद सर के ऐप में, कि काफ़ी अच्छे तरीके से समझाते हैं, उनकी मेथडोलॉजी बहुत अच्छी है एंड बहुत क्रिस्पली कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं एंड थोड़ा जल्दी पढ़ाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो ये सब चीज़ें वेरीफाई कर सकते हो, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन मेंशन कर देता हूं यूट्यूब चैनल का। हेलो बच्चों ऐप पे आप जाके 80-90% चीज़ें, हाँ उसने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है, 80-90% चीज़ें जो हेलो बच्चों ऐप पे है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप भी जाके हेलो बच्चों ऐप को डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, देखो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें पेड हैं, ठीक है, फंक्शनिंग पर्पज से। अब देखो आप उसको परचेज़ कर सकते हो, मिशन 2020 और पेन ड्राइव कोर्स से आप परचेज़ कर सकते हो, जिसमें सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज़, फिर आपका 24/7 टॉप फैकल्टी से आपके डाउट क्लियरेंस होगा, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, और एक एलैबोरेटिव नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो खुद से नोट ना बनाने पड़े वीडियो लेक्चर से। तो आप प्रोमो कोड आर्यनराज यूज़ कर सकते हो फॉर 20% ऑफ स्ट्रेट। तो विदुषी इंस्टाग्राम पे वो बेसिकली उसने मैसेज किया था, मेरे को टैग भी किया था, शी इज़ द विनर राइट नाउ एंड मैं आगे भी ऐसे गिव अवे करता जाऊँगा। अगर आप चाहते हो और गिव अवे मैं करूँ, ठीक है, बायोलॉजी की एमसीक्यू बुक का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एमसीक्यू बुक का या फिर कोई कोर्सेज का गिव अवे करूँ, तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन कर दीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट गाइज, कीप हसलिंग। मैं पेन ड्राइव कोर्स उसको उसके एड्रेस पे डिलीवर करा दूंगा, आगे भी गिव अवे होते जाएंगे, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइज। एंड आप सब्सक्राइब करते हो यार तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एक मोरल बूस्ट होता है कि हाँ मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, लोगों की हेल्प कर रहा हूँ और उनमें इंप्रूवमेंट दिखती है, तो एक ना फुलफिलिंग फीलिंग आती है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। सो थैंक यू सो मच गाइज, दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे, कीप हसलिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो।